हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं बताने जा रही हूँ एक बुक के बारे में। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कि इस बुक के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। ये बुक है द अल्टीमेट प्रेगनेंसी जर्नल। इसे मैंने ख़रीदा था अमेजोन के साइट से और ये मुझे मिला था करीब 1200 के आसपास का। ये बहुत ही प्रीशियस मेमोरी बन चुका है अब मेरे मेरे लिए, मेरे प्रेगनेंसी जर्नी का। इसमें मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट किया हुआ है, मेरा, मेरे फैमिली और मेरे बेबी से रिलेटेड जो भी चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था वो सारा इस बुक में अब कलेक्ट हो चुका है। तो 2016 में मैंने ये बुक मेंटेन किया था और अभी 2018 है, तो मैं ये जब भी देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल फील करने लगती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैंने इस तरह का कुछ अरेंज किया। इसे अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ही इजी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं मंथ वाइज, आपके प्रेगनेंसी जर्नी के मंथ वाइज इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं जिसे कि आपको सिर्फ आंसर करना है। और इसमें बहुत सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं माइलस्टोन के। जैसे ही वो माइलस्टोन आप क्रॉस करती हैं, आपको वो स्टिकर उस मंथ के पेज पे स्टिक करना है और डेट लिख देना है। इसमें बहुत सारे स्पेस दिए हुए हैं आपकी प्रेगनेंसी पिक्चर्स के लिए, तो आप वो पिक्चर्स भी इसमें स्टिक कर सकती हैं। ये बहुत ही स्वीट सा एक रिफ्लेक्शन हो गया है, बन गया है मेरे प्रेगनेंसी जर्नी का। और मुझे इस तरह की कोई चीज़ है ऐसा कुछ पता नहीं था। मैं अमेज़ॉन के साइट पे ढूंढ रही थी एक बेबी रिकॉर्ड बुक अपने कमिंग बेबी के लिए उस टाइम पे, तो मेरी नज़र पड़ी थी इस बुक पे, तभी मैंने ये बुक ख़रीदा। और जब मैं ये रिसीव की, मुझे इतना अच्छा फील हुआ इस बुक को देख के, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट बुक है। और मुझे बहुत ही मैं बहुत इंजॉय करती थी इस बुक को मैनेज करने में अपने प्रेगनेंसी जर्नी में। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि इस तरह का कुछ भी आप भी अपना कलेक्ट करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर मेंटेन करें एक प्रेगनेंसी जर्नल। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक ही आप खरीदें, आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आप आके नोट कर लीजिए कि आपका वेट क्या है, उस मंथ में आपको क्या खाने का आपकी क्रेविंग्स किस फूड के लिए ज़्यादा हो रही है, आपका वेट क्या है, आप किस तरह का फील करती हैं, कैसा मूड स्विंग हो रहा है, आपका बेबी अभी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना ग्रो किया है, तो आप मेंटेन कर सकती हैं उस बुक में। तो बस ये था इस बुक के बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।